सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो की पोस्ट होने के बाद वीडियो रिपोस्ट करने वाले युवक की डीसी कार्यालय परिसर में निर्मम पिटाई और उसके बाद उसे शहर भर में अपमानित करके घुमाने के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि ऊना जिला प्रशासन को दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लगानी पड़ी है। देर रात करीब 1 बजे अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बाद दोपहर 2 बजे तक जिले के ऊना उपमंडल में बीएनएस की धारा 163 लागू करने की जानकारी साझा की। दूसरी तरफ मंगलवार सुबह 8 बजे तक शहर के मिनी सचिवालय परिसर के साथ क्षेत्र म्युनिसिपल पार्क में भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गए। हालांकि धारा 163 लागू होने की सूचना के चलते भीम आर्मी ने भी आनंद फानंद में इस प्रदर्शन से पैर पीछे खींच लिए। दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि दो समुदायों में टकराव की स्थिति से बचने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश से बाहरी क्षेत्र के लोग यहां आकर कानून व्यवस्था भंग न कर सके, इसके लिए प्रदेश की सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 163 बीएनएस इम्पोज करी गई है, तो इसको इम्प्लीमेंट कराना पुलिस का दायित्व है। इसके अलावा मामला ये है कि दो समुदायों के बीच में क्रॉस एफआईआर हुई है, जिसको लेके कि दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा रोष का माहौल है, तो प्रिवेंटिवली कि कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ये 163 बीएनएस लागू करी गई है और समुचित पुलिस बल भी लगाया गया है जहाँ जहाँ पे, तो ये प्रिवेंटिवली करा जा रहा है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या सामने ना आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।